The Grammy Award is considered as one of the most prestigious awards that marks outstanding achievements in the music industry. लेकिन क्या आप बता सकते हैं ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले सबसे पहले इंडियन कौन थे? हम आपको कुछ हिंट्स देते हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो एक सितार वादक थे और एक वक्त पर वेस्टर्न म्यूजिक उनसे इतना इन्फ्लुएंस था कि उन्हीं की बदौलत इंडियन म्यूजिक को वेस्टर्न कंट्रीज में मान्यता मिली। और तो और पूरी दुनिया आज उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहती है। वेल, हम बात कर रहे हैं द लेजेंडरी सितार प्लेयर रविशंकर के बारे में। रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। उनके बड़े भाई उदय शंकर एक पॉपुलर डांसर और कोरियोग्राफर थे, जिनके साथ रविशंकर भारत और यूरोप में डांस परफॉर्म करने जाते थे। 10 साल की उम्र में ही जब उन्हें पेरिस, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स जाने का मौका मिला, तब वहां उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखी और तरह तरह के वेस्टर्न म्यूजिक फॉर्म्स के बारे में जाना। पर रविशंकर का म्यूजिक में शौक तब आया जब उन्होंने अलाउद्दीन खान, जो उस वक्त के एक जाने माने सरोद प्लेयर थे, उन्हें परफॉर्म करते देखा। 18 साल की उम्र में रविशंकर ने डांस छोड़ दिया और अलाउद्दीन खान से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू की। 7 साल की ट्रेनिंग के बाद शंकर मुंबई गए, जहां उन्होंने द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के लिए 1945 और 1946 के बीच म्यूजिक कंपोज किया। 1949 में रविशंकर को ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर का जॉब मिला, जहां उन्होंने 7 साल तक नौकरी की। इस दौरान रविशंकर ने इंडियन नेशनल ऑर्केस्ट्रा का निर्माण किया, जहां वो इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को कंबाइन करके म्यूजिक बनाया करते थे। रविशंकर ने इसी बीच सत्यजीत रे की सीरीज अपूस ट्रिलॉजी के लिए भी म्यूजिक कंपोज किया। यहूदी मेनुहिन, जो ब्रिटेन के एक रिनाउंड वायलिनिस्ट थे और रविशंकर के परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस भी थे, उन्होंने रविशंकर को 1955 में यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में परफॉर्म करने बुलाया। रविशंकर का परफॉर्मेंस लोगों को काफी पसंद आया और उनके रिस्पांस को देखते हुए रविशंकर ने तय किया कि वो अब से म्यूजिकल टूर्स और कॉन्सर्ट्स ही करेंगे। 1956 में रविशंकर ने ऑल इंडिया रेडियो की जॉब छोड़ दी और फिर यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स के टूर पर चले गए, जहां उन्होंने ना ही सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि वहां के लोगों को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी दी। 1950s से लेकर 1970s तक रविशंकर ने लगातार कई म्यूजिकल टूर्स और कॉन्सर्ट्स किए। इस दौरान उन्होंने कई लेजेंडरी वेस्टर्न म्यूजिशियंस और कंपोजर्स के साथ काम भी किया, जिनमें से एक थे बीटल्स बैंड के गिटारिस्ट जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन रविशंकर से इतना इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने बाद में उनसे म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन रविशंकर अचीव्ड वन मोर माइलस्टोन। In the 1960s, he became the first Indian to compose music for foreign films. 1967 में रविशंकर ने मॉन्टरे इंटरनेशनल पॉप फेस्टिवल में लाइव परफॉर्म किया, जो इतना हिट हुआ कि उनका परफॉर्मेंस 19 हफ्तों तक बिलबोर्ड चार्ट पर नंबर 43 पर रहा। वेस्टर्न म्यूजिक पर रविशंकर का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही गया और धीरे धीरे वेस्टर्न म्यूजिक में इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इस बीच रविशंकर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक के हेड बने और सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस जैसे इंस्टीट्यूशंस में म्यूजिक लेक्चरर भी रहे। अपने पूरे करियर में रविशंकर ने कई सारी एल्बम्स बनाई, जिनमें से 1966 की वेस्ट मीट्स ईस्ट, 1971 की द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश, 2001 की फुल सर्कल को और जॉर्ज हैरिसन एंड बॉब डिलन के साथ कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड्स मिले। 1997 में रविशंकर को जापान की तरफ से म्यूजिक के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन्स प्रीमियम इंपीरियाले प्राइज भी मिला। वेस्टर्न म्यूजिक पर उनके इन्फ्लुएंस के चलते 1986 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रविशंकर को एक राज्यसभा मेंबर घोषित किया, जहां वो 12th मई 1986 से 11th मई 1992 तक एक मेंबर भी रहे। अपने टैलेंट के द्वारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की वजह से रविशंकर को 1967 में पद्म भूषण, 1981 में पद्म विभूषण और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11th December 2012 के दिन रविशंकर का निधन हुआ। After this loss, the then Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, consoled and quoted रविशंकर as a national treasure and global ambassador of India's cultural heritage.
सो दोस्तों, ये थी कुछ बातें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस रविशंकर के बारे में। आई होप उनकी कहानी से आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही भारत की और भी कई सारी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटीज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए भारत रत्न अवार्डीज ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.